और इसके अंदर भी वाटर ड्रॉप नॉच, 8 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है जो कि सिंगल कैमरा है, एक ही कैमरा दे रखा है। अगर 64 GB रोम दे रहे हैं तो एक कैमरा गयो। ठाकुर तो गियो। आज इस वीडियो में 5 ऐसे फोन के बारे में बात करेंगे जो 10,000 से नीचे के हैं, अंडर 10,000। सही सुने, ये 5 फोन की रेटिंग अच्छी है ऑनलाइन भी, और ये 5 फोन के ब्रांड भी अच्छे हैं इस रेंज में। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आता है Realme C33। इसकी लुक बड़ी ऑसम है और ये आता है 3 GB रैम और 32 GB रोम में, और 6.5 इंच LED डिस्प्ले है जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। 50 MP प्लस 0.3 MP के इसका रियर कैमरा है, 2 कैमरे हैं इसके अंदर, और फ्रंट कैमरा 5 MP का है, और यूनिसॉक T612 का इसका प्रोसेसर है, और वहीं पे इसमें एंड्रॉइड 12 मिलता है, 5000 mAh की बैटरी के साथ मिलता है, और वेट की बात करें तो 380 ग्राम का फोन है, थोड़ा सा भारी फोन है ये। लुक के मामले में काफी लुक इसकी अच्छी है, प्राइस पॉइंट की बात करें तो 8,990 रुपए का ये पड़ता है, जो कि है काफी बजट फ्रेंडली फोन। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है Redmi 10, जो 4 GB रैम के साथ और 64 GB रोम के साथ आता है। इसके अंदर 64 GB रोम और इसी के अंदर 6 GB प्लस 128 GB का भी वेरियंट है, मगर वो 12,000 रुपए का पड़े, जो कि है 10,000 से ऊपर। तो 4/64 वाले के अंदर क्या क्या है, पहले तो ये 3 कलर में अवेलेबल है, कैरेबियन ग्रीन, मिडनाइट ब्लैक और पैसिफिक ब्लू। 6.7 इंच की इसकी HD प्लस डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच है, मोस्टली में वैसे वाटर ड्रॉप नॉच ही आ रही है, तो इसके अंदर भी वही है। 50+ MP प्लस 2 MP का इसका रियर कैमरा है, और फ्रंट कैमरा 5 MP का है, बट इसके अंदर बैटरी आती है 6000 mAh की बैटरी आती है, जो कि 1000 mAh प्लस मिल रहा है Realme 633। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 80 का इसका प्रोसेसर है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है इस रेंज में, और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ है, और उसकी ऑनलाइन रेटिंग फ्लिपकार्ट अमेज़न पे भी काफी ज्यादा अच्छी है। प्राइस की बात करें तो 9,500 रुपए का अवेलेबल है, तो ये भी काफी बजट फ्रेंडली फोन है Realme Redmi। अब बात करते हैं तीसरा फोन, जो कि है Vivo Y16। ये भी 3 GB रैम और 32 GB रोम में है, मोस्टली 10,000 के अंडर में फोन 3 GB 32 GB में मिल रहा है, बाकी Redmi वाला 4/64 में था 10,000 के अंडर वाला। Vivo Y16 के अंदर 3 GB और 32 GB में है, 3 GB रैम और 32 GB रोम में है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फन टोज OS 12। 6.5 इंच की इसकी HD प्लस LCD डिस्प्ले है, इसके अंदर LCD डिस्प्ले जो कि सोचने वाली बात, ये भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ही आता है। कैमरे की बात करें तो 13 MP प्लस 2 MP का रियर कैमरा है, 2 कैमरे इसके अंदर भी हैं, 5 MP का फ्रंट कैमरा। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आती है 10 वोल्ट की इसके अंदर, वो भी 5000 mAh बैटरी के साथ, बट इसका वेट 183 ग्राम है, जो कि काफी ज्यादा हल्का है। कलर की बात करें तो 2 कलर है इसके अंदर, और वो कलर है Dazzling Gold और स्टीलर ब्लैक, ये 2 कलर अवेलेबल है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये 10,000 रुपए का है। वहीं पे चौथे नंबर पे फोन आता है मोटोरोला का, जो कि है Motorola E32S, जो 3 GB रैम और 32 GB रोम में अवेलेबल, एंड्रॉइड 12 है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम देखे तो MediaTek Helio G37 का इसके अंदर प्रोसेसर है, और डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की इसके अंदर HD प्लस डिस्प्ले है, बट यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच नहीं, पिन होल पंच नॉच है इसके अंदर। कैमरे की बात करें तो 16 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP, इसके अंदर 3 कैमरे हैं, रियर कैमरे इसके अंदर 3 हैं, और फ्रंट कैमरे की बात करें 8 MP का इसका फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी के साथ ये भी आता है। लुक की बात करें तो लुक काफी ज्यादा फाड़ है, और ये भी 185 ग्राम के वेट के साथ आता है, 185 ग्राम का वेट है, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है फोन कैरी करने में 6.5 इंच की डिस्प्ले के साथ। और वहीं पे प्राइस की बात करें तो ये 7500 में अवेलेबल है, जो कि काफी सस्ता फोन, वो भी मोटोरोला का, तो लेना बनता है अगर आप कोई फोन ढूंढ रहे हो। बाकी पांचवा और आखिरी फोन है ओप्पो का, Oppo A17K। यहाँ पे 3 GB रैम में अवेलेबल है, लेकिन 64 GB रोम में अवेलेबल है ये फोन, 3/64 के वेरिएंट में अवेलेबल है, एंड्रॉइड 12 के साथ, MediaTek B35 इसका प्रोसेसर है, और डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की इसके अंदर डिस्प्ले है, जो है HD डिस्प्ले, बट कंपनी ने बता रखा है काफी सुपर रिच कलर्स हैं इसके डिस्प्ले में, 16:12x720 पिक्सल है इसके डिस्प्ले में, और इसके अंदर भी वाटर ड्रॉप नॉच, 8 MP का इसका रियर कैमरा है, जो की सिंगल कैमरा है, एक ही कैमरा दे रखा है। अगर 64 GB रोम दे रहे हैं तो एक कैमरा गयो। ठाकुर तो गियो। 8 MP का रियर कैमरा है, और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 MP का वो कैमरा है। IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, और वहीं पे 189 ग्राम का ये फोन है, जो आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ, और इसके प्राइस की बात करें तो ये भी 10,000 रुपए का फोन। 10,000 वाले फोन में 64 GB रोम, बट सिंगल कैमरा, बट इसकी डिस्प्ले के कलर ज्यादा, दूसरा MediaTek B35 इसका प्रोसेसर, थोड़ा सा हल्का सा कंप्यूटर को देख के तो लग रहा है कि ये थोड़ा सा महंगा फोन है, बट ओप्पो का फोन है ये, ना कि Realme Redmi का।
तो थोड़ा सा प्राइस प्लस रहेगा 1000 रुपए इसके अंदर प्लस वीवो से और रियलमी से रेडमी से 1000-1500 प्लस रहता है। बाकी ये भी काफी ज्यादा रेंज है बट ये आपको 10000 रुपए में मिल जाएगा। तो ये पांचों फोन 10000 रुपए के नीचे थे, 10000 रुपए तक थे, जो कि काफी वर्थिट है। ये सारे फोन मोटोरोला का, ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का और रेडमी का, सारे ब्रांड मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक जरूर करो, मेरे को सपोर्ट करो। बहुत सारी टेक वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। और 500 रुपए का ईयरबड्स लेना है, ये वाला या फिर ये वाला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। और वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे से बात करने के लिए कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।